हे गाइस, कैसे हो। मेरा नाम है जाबिर और यह है मेरे पास रेडमी 9 पावर, जिसको आज मैं फैक्ट्री रीसेट करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं। अगर आपके पास भी रेडमी 9 पावर फ़ोन है तो आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कैसे करना है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फैक्ट्री रीसेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फ़ोन को यहाँ पे अनलॉक कर लेना है। फ़ोन को अनलॉक करने के बाद आपको रीसेट करने के लिए सबसे पहले सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एडिशनल सेटिंग, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फैक्ट्री रीसेट। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आपने अपना फ़ोन का डाटा का बैकअप नहीं लिया है तो यहाँ से आप बैकअप भी ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले बैकअप ले लेना है अगर आपने नहीं लिया है, तो तभी आप अपना फ़ोन का फैक्ट्री रीसेट करें। तो यहाँ मैंने सारा कुछ बैकअप ले लिया है, तो यहाँ मैं फैक्ट्री रीसेट करके आपको दिखाता हूँ। तो फैक्ट्री रीसेट करने के लिए आपको फैक्ट्री रीसेट में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा और यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा, क्या क्या यहाँ पे आपका रीसेट होगा, इरेज होगा, तो यहाँ पे आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है इरेज ऑल डाटा, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन में जो भी लॉक लगा रहेगा आपके फ़ोन में, तो उसको यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे पॉपअप बन के आता है, यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट लिखा हुआ है और यहाँ पे बैकअप। तो बैकअप आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ मैं फैक्ट्री रीसेट करने वाला हूँ, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको ओके करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका फोन फैक्ट्री रीसेट होने के लिए तैयार हो गया है। तो ये देख सकते हैं अभी रेडमी 9 पावर फैक्ट्री रीसेट हो रहा है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ देर वेट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपका फोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रेडमी 9 पावर कम्प्लीटली फैक्ट्री रीसेट हो गया है। तो रीसेट होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, तो यहाँ पे अब आपको अपना फ़ोन को सेटअप करना है। तो सेटअप कैसे करना है तो वो भी आपको बता देते हैं। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश इंडिया में ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे इंडिया ही है, तो उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें टिक कर देना है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो इसको आपको स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पे फिल करना है, तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्किप करने वाला हूँ, तो यहाँ मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पे स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेप्ट का, तो एक्सेप्ट आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ऑप्शन मिल जाता है सेट पासवर्ड का, तो अगर आपको अपना फ़ोन का स्क्रीन लॉक लगाना है तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं अभी स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद फिर से यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एग्री करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना लॉन्चर सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ मैं क्लासिक में ही रहने देता हूँ। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद सेटअप कम्प्लीटली किया गया है, उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, रेडमी 9 पावर कम्प्लीटली सेटअप भी हो गया है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको आपको यहाँ पे गोटिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे फोन कम्प्लीटली रीसेट होकर सेटअप भी हो गया है, जो यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा यहाँ पे न्यू जैसा हो गया है रेडमी 9 पावर, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, कोई भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल्ली न्यू जैसा हो गया है। तो अगर आपके पास भी रेडमी 9 पावर फोन है, तो ऐसा ही आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। पूरा यहाँ पे न्यू जैसा हो जाता है फोन। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।